देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, आँखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ है। अब उन लोगों को क्या जो देख नहीं सकते और उनको पढ़ाई करनी है, उनको जज्बा है पढ़ने का, तो ऐसे लोगों के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, उसको नाम दिया गया ब्रेल स्क्रिप्ट का। तो इसमें क्या होता है, ब्रेल इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय यूजिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट विद अपॉइंटेड टूल। देखो अगर हम किसी भी, एज एन एग्जाम्पल आप एक टीन का छोटा सा टुकड़ा ले लो, अगर आप उसमें होल करोगे किसी चीज़ से तो उसकी ऑपोजिट साइड में क्या होगा, वो जो छेद आपने किए हैं वो उभर के आ जाएंगे, जिस पर अगर आप उसको हाथ फिराओगे तो आपको फील होगा कि यहाँ कुछ है। तो सेम एज़ यही काम एक मोटे पेपर पे किया जाता है, उस पर एक नोकीले औजार से होल्स किए जाते हैं, लाइक अगर ए बनाना है तो ए के शेप का होल किया जाता है जिससे कि हाथ फिराने पर पता चल सके क्या बना हुआ है। ब्रेल इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट। देखा, हाथ फिराते हैं उसके बाद उससे पता चलता है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ टुडे द मोस्ट वाइडली यूज स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड टू रीड और राइट। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। ब्रेल को कंप्यूटर के थ्रू भी लिखा जाता है और ये अब बहुत ज़्यादा कॉमन तरीका है, किसी भी ब्लाइंड कहते हैं अंधे को, किसी भी नाबीना को देख पढ़ाने या लिखाने के लिए। इन इंडिया, इंडिया में वी हैव स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए हमारे यहाँ स्पेशल स्कूल्स हैं वेयर दे आर टॉट टू रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल, जहाँ वो ब्रेल के थ्रू ही लिखना और पढ़ना सीखते हैं। साइन लैंग्वेज। इन साइन लैंग्वेज हैंड मूवमेंट्स रिप्रेजेंट वर्ड। साइन लैंग्वेज में हाथों के मूवमेंट के थ्रू वर्ड्स को बताया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। समटाइम्स डम्ब पीपल, डम्ब कहते हैं गूंगे को, डम्ब पीपल ऑल्सो यूज द मैथड ऑफ लिप रीडिंग फॉर कम्युनिकेशन। कभी कभी जो लोग डम्ब होते हैं वो लिप रीडिंग मतलब बात करने के लिए लिप रीडिंग का सहारा लेते हैं, मतलब वो होठों पे निगाह रखते हैं, जैसे जैसे वो चलते हैं वो उससे समझते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। जैसे वॉचिंग द स्पीकर मूवमेंट ऑफ लिप टू सी वॉट द स्पीकर इज सेइंग, जैसे जो बात कर रहा है उसके होठों को देखना और समझना कि वो कह क्या रहा है। सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग एज दे ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे कुछ लोग बड़े होते जाते हैं उनको सुनने में दिक्कत होने लगती है। सच पीपल आर गिविंग हियरिंग एड, ऐसे लोगों को हियरिंग एड दी जाती है। इट मेक्स द साउंड लाउडर एंड हेल्प्स दैम टू हियर क्लियरली, जो कि उनको तेज़ आवाज़ उन तक पहुंचाती है और उनको सुनने में आसानी रहती है, आवाज़ एकदम क्लियर आती है। होप आपको आज के दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए हों। थैंक यू सो मच।